हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, रविवार देर शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था एमपी इंदौर से। वीडियो है एक चूड़ी बेचने वाले का। उस वीडियो में चूड़ी बेचने वाले की पिटाई करते लोग नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामला क्या था उस पर ही कुछ डिस्कस करेंगे और आप लोगों की राय जानेंगे। उपरोक्त वीडियो में आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, ट्विटर पर भी हैशटैग चले हुए हैं, तरह तरह के प्लेटफार्म हैं सोशल मीडिया पर, उसको आप देख सकते हैं इस वीडियो को। उस वीडियो में, उपरोक्त वीडियो में बताया जा रहा है कि कोई तस्लीम नाम का शख्स है जो उत्तर प्रदेश के हरदोई से बताया जा रहा है, वो चूड़ियाँ बेचने मध्य प्रदेश के इंदौर में अक्सर जाता रहता है। इस तरह का वो वीडियो है और उस वीडियो में कुछ लोग उसको पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने उपरोक्त वीडियो के ऊपर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तरह तरह के जो एक्टिविस्ट हैं और अन्य स्टेट से जो हैं, वो ट्विटर पर भी हैशटैग चला रहे हैं। इसी बीच एमपी के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया उनको लेकर भी विवाद उत्पन्न हो चुका है। उनका बयान के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि ये जो शख्स है इस इलाके में, इस क्षेत्र में हिंदू नाम रख कर चूड़ियाँ बेच रहा था, ऐसा मामला आया है। इस तरह के वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और बताते हैं कि दोनों के ऊपर कार्रवाई की गई है, दोनों शख्स पक्षों के ऊपर कार्रवाई की है। मतलब ये जो चूड़ी बेचने वाला है इसके ऊपर भी, और जो पीटने वाले लोग हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई दर्ज की गई है। अकॉर्डिंग टू जो गृह मंत्री हैं एमपी के नरोत्तम मिश्रा जी, उसके बाद पुलिस का भी बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोस्तों, आपने ये वीडियो जो वायरल है, अभी तक आपने ये वीडियो देखा या नहीं देखा? देखा है तो इसमें आपने क्या पाया और क्या आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पर ये वीडियो वायरल हुआ था, जो ये घटना घटित हुई थी? इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? ये जो कार्रवाई हुई है दोनों पक्षों पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और जो बता रहे हैं दो दो आधार कार्ड पाए गए हैं, नकली आधार कार्ड पाए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आधार कार्ड सभी जरूरी सेवाओं में मैंडेटरी कर रखा है, फिर इसकी ऑथेंटिकेशन क्या रह जाती है? कोई नकली आधार कार्ड कैसे बना पाया? तो इस तरह की जो काफ़ी वो हैं, इसको लेकर आपके क्या मत हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने जो बहुकीमती हैं कमेंट वो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।